अमरनाथ यात्रा रे प्रकृतिर तांडव बादलफटा वर्षार अघटन 15 यात्री मृत्यु घटीबा सूचना पवित्र गुंफा निकट रे संध्यारे बादलफटा वर्षा होता फल 15 जन श्रद्धालु मृत्यु होता बेले बन्या जोगु शह शह तीर्थयात्री फसी रही एनडीआरएफ एसडीआरएफ और आईटीबीपी टीम पक्षर उद्धार कार्य वर्तमान समय जारी रही अपराह्न 5:30 रे बादलफटा वर्षा सह भूस्खलन घटीला प्रखर पानी स्रोत रे किछि यात्री भासी जाइतबा सूचना रही बादलफटा वर्षा परे यात्रा रोकि दिया जाइछि यह प्राकृतिक विपर्यय बहु संख्या रे तंबू मध्ये प्रभावित होइछि अनेपटे घटनारे गभीर दुख प्रकाश करिछन्ति पीएम मोदी मृतकों परिवार वर्गों को गभीर समवेदना जनाइछन्ति पीएम मोदी जम्मू काश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हांक सह एनेइ से कथा होइछन्ति युद्धकालीन भित्तिरे उद्धार कार्य त्वरान्वित चलिथिबा ट्विटरे उल्लेख करिछन्ति अमरनाथ गुफा के पास जैसी हमें सूचना मिली है लगभग 5:30 बजे के आसपास काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी काफ़ी देर से और वहां पर पहाड़ के बगल में जो गुफा है उसी के ऊपर से अचानक से तेज पानी आने लगा और नाले का बहुत धीरे धीरे तेज होने लगा। जो हमारे सिस्टर एजेंसीज हैं आईटीबीपी है बाकी सारी एजेंसीज हमने तुरंत अलर्ट किया। पिछले साल भी वहां पर एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें काफी क्लाउड बस्ट के बाद तबाही जैसी स्थिति पैदा हुई थी तो इस बार पहले से हम लोग अलर्ट थे चूंकि इलाका काफी नैरो है तो वहां नीचे की तरफ कुछ टेंट भी लगे हुए थे जिसमें कि कुछ हमारे बलों के भी टेंट थे और उसमें कुछ श्रद्धालु भी थे तो उनको वार्न किया गया उनको अलर्ट किया गया और विद इन 10 to 15 मिनट्स काफी लोगों को वहां से निकाला गया जिससे काफ़ी लोगों को हम बचा सके हैं वहाँ पे निकाल सके हैं। काफ़ी सारे टेंट बह गए हैं एग्जैक्ट नंबर मेरे पास अभी नहीं है लेकिन तुरंत ही हमारी जो फोर्सेस थी उन्होंने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था आईटीबीपी की दो कंपनियाँ और साथ ही साथ बाकी सारी जो हमारी फोर्सेस हैं उसमें एनडीआरएफ है इंडियन आर्मी है जम्मू कश्मीर पुलिस है उनके साथ लगातार हम लोग कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं और अभी फिलहाल स्थिति यह है कि बारिश थोड़ी कम हो गई है पहले से पानी का प्रवाह लेकिन अभी उतना ही है कुछ पुष्टि नहीं हुई है लेकिन फिलहाल हम ये देख पा रहे हैं कुछ लोगों को नदी से निकाला गया है बहते हुए डाउनस्ट्रीम में भी चेक कर रहे हैं और कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके। एक टीम तो होली केव के बिल्कुल पास तैनात रहती है तो वो टीम तो इमीडिएटली जुड़ गई थी राहत कार्य में। दो टीमें और पास में हैं बरारी मार्ग में और पंचतरणी में जिनमें से बरारी मार्ग की टीम ऑलरेडी वहाँ पहुँच के शामिल हो गई है पंचतरणी की टीम शामिल हो रही है। हमारे जो लड़के वहाँ पे मौजूद हैं रेस्क्यू वर्क में उसके मुताबिक अभी हमारे पास 10 कैजुअलिटी की डिटेल है और 3 लोगों को वहाँ से जीवित निकाला गया है और वहाँ पे और भी ऑर्गेनाइजेशंस आईटीबीपी इंडियन आर्मी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के लड़के बहुत अच्छे ट्रेंड हैं माउंटेन रेस्क्यू टीम्स के वो सब उसमें शामिल हो गए हैं राहत कार्य में। 5:30 के आसपास की क्लाउड बस की खबर है और वहाँ स्लोप्स इतनी शार्प हैं कि क्लाउड बस के कारण पानी इकट्ठा होकर बहुत मोमेंटम से आता है जिसने काफ़ी जैसा देखा हमने टेंट्स को नुकसान वगैरह किया है और लड़के तो अभी राहत कार्य में शामिल हैं और जैसे जैसे अपडेट आती है हम आपको वाकिफ करते रहेंगे। मेरे पास अभी 10 कैजुअलिटी का फिगर है और 3 लोगों को जीवित हम निकाल पाए हैं तो आशा है कि हम और लोगों को जीवित निकालने में सफल रहेंगे। कितनी टीमें सर अभी फिलहाल लगाई? आसपास की 3 टीमें शामिल हैं 2 वहाँ पहुँच चुकी हैं 1 तो इमीजिएटली अवेलेबल थी 3 टीम पंचतरणी से पहुंच जाएगी लेकिन हमारी टीमों के सिवा भी और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे मैंने कहा जेएनके पुलिस है इंडियन आर्मी है आईटीबीपी है उनके जवान भी इसमें शामिल हो गए हैं। क्या सर आपकी और भी मीटिंग्स हो रही है ताकि और भी आप अपनी टीमें लगा सकें? हाँ हम मुआयना कर रहे हैं कि हमारी टीमें जो और जगह तैनात हैं उनको हम यहाँ किस तरह लाएंगे उनको कोई खास औजार इक्विपमेंट चाहिए वो वहाँ कैसे पहुँचाए जाएँ तो इसका एक बड़ा रेगुलर रिव्यू हो रहा है और उसको हम जरूर और रीइन्फोर्स करेंगे ताकि ये काम जल्दी पूरा कर पाएँ।